भालू और दो दोस्त की कहानी, स्टोरी ऑफ बियर एंड टू फ्रेंड्स इन हिंदी। किसी गांव में दो लड़के रहा करते थे। एक लड़के का नाम राहुल तो दूसरे लड़के का नाम श्याम था। उन दोनों लड़कों में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। उनकी दोस्ती के बाद सारे गांव में हुआ करते थे। सभी लोग कहते थे कि दोस्ती हो तो इनके जैसे। एक दिन दोनों को अपने गांव से किसी दूसरे गांव जाना था। वो दोनों चलने के लिए तैयार हो गए। उनके रास्ते में एक जंगल पड़ता था। वो जंगल के रास्ते से जा रहे थे तो उन्हें एक भालू आता हुआ नजर आया। अब वो सोचने लगे कि क्या करें। शाम को पेड़ पर चढ़ना आया करता था तो वो तुरंत ही एक पेड़ पर चढ़कर खुद को सुरक्षित कर लिए। पर राहुल को पेड़ पर चढ़ने नहीं आया करता था। उसने शाम से मदद मांगी पर शाम ने मदद करने से साफ मना कर दिया। राहुल जमीन पर सोकर अपने सांस को रोक लिया। वो जमीन पर इस तरह से सोया हुआ था कि मानो वो मर चुका है। भालू राहुल के पास आकर राहुल को सूंघने लगा। फिर वो भालू वहाँ से चला गया। अब शाम भी पेड़ से नीचे आ गया। शाम ने राहुल से पूछा, वो भालू तुम्हारे कानों में क्या कह रहा था? इस पर राहुल ने कहा, भालू कह रहा था कि किसी दोस्त पर भरोसा मत करो। यह कहानी यही ख़त्म।